हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम करते हैं पार्टी मेकअप, वो भी जल्दी जल्दी क्योंकि मुझे जाना है शादी में। सबसे पहले मैंने लगाया फेस सीरम जो कि था डर्मा फ्लेक का। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का प्राइमर अप्लाई किया। पूरे फेस पे अच्छे से प्राइमर को अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से फैला लीजिए। देखिए, प्राइमर आप जितना अच्छे से अपने फेस में मिक्स करोगे ना, उतना अच्छा बेस बन के आएगा, क्योंकि इससे आपके जो पोर्स होते हैं ना वो क्लोज हो जाते हैं और का फेस का जो बेस बनता है वो बिल्कुल फ्लॉलेस बनता है। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं अपने आप ही मेकअप करती हूँ ज़्यादातर पार्टीज़ के लिए, और जैसा कि लोग मुझे कहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने कुछ मिक्स किया है। अगर आपकी स्वेटिंग होती है प्राइमर लगाने के बाद, तो आप इसके लिए 2 मिनट वेट कर सकते हैं। आप तुरंत इसके ऊपर कंसीलर अप्लाई ना करें, थोड़ा सेट हो जाने दें। देखिए, जैसे कि सेट हो गया है मेरा फेस पे ये। अब मैं कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर आपको धीरे धीरे लगाना है, जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट हो ना वहाँ वहाँ टैप कर लीजिए। मैंने लिक्विड कंसीलर यूज़ किया है, आप इसके लिए कोई भी यूज़ कर सकते हो। आप जो पेस्ट वाला आता है, जो ब्रश से अप्लाई होता है वो भी, लेकिन मुझे लिक्विड वाला आसान लगता है क्योंकि आसानी से मिल भी जाता है और आसानी से फेस पे आपके मिक्स हो जाता है। और मेरे को तो एक परफेक्ट बेस के लिए ना लिक्विड कंसीलर परफेक्ट लगता है। तो ये भी मैंने स्विस ब्यूटी का लिया था। इन सबका लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो और बहुत रीज़नेबल है। अगर आप बिगनर हो तो ज़्यादा पैसे ना लगाते हुए आप ये प्रोडक्ट मंगा सकते हो। और हाँ, ये कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको अपना पर्सनल यूज़ किया है मैंने, इसलिए आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैंने एक HD कंसीलर लिया था क्योंकि मुझे थोड़ी सी हाई कवरेज चाहिए थी। जैसा कि मैंने बताया आपको, मुझे शादी में जाना था, मेरी आँखें थोड़ी सी जो है सूजी सूजी सी लग रही थी, तो मैंने कहा चलिए कुछ अच्छा लगाते हैं, तो मैंने इसमें आज बेस बनाया। तो उसके लिए मैंने अपनी आइज़ को, अंडर आइज़ को कवर किया, उसके बाद अपनी जॉ लाइन पर थोड़ा सा लगा के इसको मिक्स किया। इससे मेरे दाने तो कवर हुए, मेरा फेस भी थोड़ा सा शेप में लग रहा था, अच्छा लगा मुझे, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था। उसके बाद देखिए, मैं इसको इस तरह मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये और क्लियर कर हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 मिनट वेट करेंगे, वेट करेंगे कि ये सेट हो जाए। देखिए, बैक टू बैक आपको मेकअप एक के ऊपर एक नहीं लगाना है, आपको टाइम देना है। जैसे पार्लर वाली ने आपने देखा होगा ना, वो टाइम दे दे के बन लगाती हैं, वो इसीलिए लगाती हैं कि एक लेयर सेट हो जाए उसके बाद वो दूसरी अप्लाई करें। तो देखिए, कुछ इस तरह से मेरा बेस सेट हो गया ऑलमोस्ट। और अब हम लगाएंगे आई शेडो। आई शेडो भी स्विस ब्यूटी का ही है और ये लिक्विड आई शेडो है। अगर आप नया नया मेकअप सीख रहे हो या आपको कुछ जल्दी जल्दी सा करना है ना, तो ये परफेक्ट है। आप इसको लीजिए और देखिए कुछ इस तरह से आप इसको अप्लाई कर लीजिए और ये तुरंत ड्राई होता है और फैलता भी नहीं है। आपको एक ग्लिटरी लुक, स्मोकी लुक भी दे रहा है और उसके अलावा ये फैल भी नहीं रहा है। अदरवाइज़ आप ग्लिटर हैंडल नहीं कर सकते हो, अगर आपको उसकी टेक्निक प्रॉपर नहीं पता होती है तो आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम अपनी आईब्रोज़ को फिल करेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल किया। फिल करने के बाद आप इसमें जो इसके बैक साइड पे जो कोम दी हुई होती है ना, उससे आप इसको सेट कर सकते हो, तो थोड़ी सेटल हो जाती है। बट मुझे लगता है जब मेकअप आप कर रहे हो ना हैवी, तो थोड़ी आईब्रोज़ डार्क अच्छी लगती है। यूजुअली फ़ोटोज़ में अच्छी आती है, जब आप सेल्फी लेते हो या कुछ करते हो ना, तो आपको फ़िल्टर की नीड नहीं होती है। वरना आप मेकअप करने के बाद भी आपको शायद फ़िल्टर लगाना पड़े। तो थोड़ी सी आईब्रोज़ आप अपनी डार्क रख सकते हो। आईब्रोज़ लगाने के बाद आप इसको इस तरह से सेट कर लो, प्रॉपर शेप में दे लो। और जैसे आपको पसंद हो, आपको लाइट आईब्रोज़ पसंद हो तो आप लाइट लगा सकते हो, बट मुझे थोड़ी सी डार्क आईब्रोज़ पसंद है मेकअप के साथ, तो मैं आईब्रोज़ को अपनी थोड़ी डार्क ही रखती हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने सेट किया है। और मेरी कोई चीज़ अगर आपको गलत लगे ना, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे को कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, तो जो अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है, प्लीज़ वो बुरा ना माने, क्योंकि ये एक जेन्युइन रिव्यू जो मेरे पर्सनल व्यू है। और उसके बाद मैंने लगाया लाइनर। लाइनर देखिए, मैं थोड़ा मोटा लगाती हूँ, तो मैंने लाइनर अप्लाई किया कुछ इस तरह से। ये भी मैंने स्विस ब्यूटी का ही लिया था। मैंने सारे ऑलमोस्ट जितने प्रोडक्ट जो यूज़ किए ना अपने फेस पे, वो सब स्विस ब्यूटी के हैं और मैंने मंगाए थे ट्राई करने के लिए। और ये है इसका हाई कवरेज फाउंडेशन, ये भी स्विस ब्यूटी का है। ये अराउंड 740 का आता है, लेकिन अच्छा था, काफ़ी अच्छे से मिक्स हुआ। और मेकअप ब्रश पे लीजिए, थोड़ा सा अपने फेस पे लगाइए और रिज़ल्ट देखिए, प्रॉपर तरीके से मर्ज मिक्स हो गया है। और इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देखोगे एक प्रॉपर बेस बन के रेडी हो गया है। देखिए, एक बेस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके प्रोडक्ट बिल्कुल सही हो,
आपका फेस प्रॉपर तरीके से मॉइस्चराइज हो। आप अपने पहले फेस को प्रॉपर तरीके से वॉश करिए, टोन करिए, टोनिंग के बाद उसमें अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करिए, उसके बाद आप मेकअप अप्लाई करिए। अदरवाइज़ आपका जो फेस का मेकअप होता है ना, वो ग्रे हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेकअप मेरा ग्रे हो जाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि अजीब सी पैचिनेस आ जाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपने बेस में टाइम नहीं दिया। अगर आप प्रॉपर वे में बेस बनाते हो ना, स्टेप बाय स्टेप, तो आपका बेस कभी भी हिल नहीं सकता है। हिल इन द सेंस कि अगर पसीने आते हैं, स्वेटिंग आती है, तब भी आपका बेस नहीं खराब होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके मेकअप में बेस, तो टाइम लेके थोड़ा सा सुकून से बेस बनाए, उसके बाद बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी होती हैं। अगर आपका बेस एक बार सेट हो गया ना, तो आपका मेकअप हिलेगा नहीं। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसको प्रॉपर मिक्स किया। आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर से भी बहुत अच्छा मिक्स होता है, बट मैंने अब की बार ब्रश यूज़ की थी। उसके बाद मैं लिप लाइनर लगाऊंगी। लिप लाइनर आप अपने पसंद का कोई भी शेड ले सकते हो। ये स्विस ब्यूटी का नहीं था, मेरे को ये कलर यूज़ करना था, तो मैंने ये लिप लाइनर लगा लिया, और मुझे तो ब्रांड भी नहीं याद है। और इसके बाद हम इसको देखिए, आप ना पहले लिप लाइनर से लिप्स को फिल कर लीजिए, उसके बाद आप इसमें अगर शेड लगाते हो लिपस्टिक का, तो वो और अच्छा लगता है। मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से कलर आता है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, आप ट्राई करके देखना आपकी बार। अगर आपको ओम्ब्रे लिप चाहिए तो आप हाफ लिप्स को भी कवर कर सकते हो, बट मुझे डार्क प्रॉपर टोन चाहिए थी, तो मैंने इसको प्रॉपर फिल किया लाइनर से। उसके बाद मैं जब लास्ट में लिपस्टिक लगाऊंगी, तो देखिएगा शेड कितना अच्छा आएगा। उसके बाद मेरा लाइनर सूख चुका हुआ था, तो मैंने कहा लाइए क्यों ना मस्कारा अप्लाई कर लिया जाए। ये भी स्विस ब्यूटी का है, हैवी कर्ल्स का। मैं आपको भेज दूंगी इसका लिंक, आप मंगा सकते हो। अगर आपके कर्ल्स, मतलब जो आई लैशेज हैं, वो थोड़ी सी हल्की है और आपको फेक लैशेज नहीं लगानी है, तो ये अच्छा है। अच्छा लगा, थोड़े सी आई लैशेज दिख रही थी प्रॉपर, तो ये अच्छे से मेरे यूज़ कर सकते हो। आई लैशेज क्योंकि लगाना यूजुअली नहीं पॉसिबल होता है घर में, वो प्रोफेशनल्स ही लगा सकते हैं। तो अगर हम और आप अगर मेकअप घर पे कर रहे हैं और हमें पार्टी में जाना है, तो और हमारे आसपास पार्लर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अच्छा मस्कारा यूज़ करेंगे। उसके बाद मेकअप का बेस्ट पार्ट जो कि है फेस टिंट। फेस टिंट आप अप्लाई करेंगे, आप इसके अलावा ब्लश ऑन भी लगा सकते हैं। ब्लश ऑन अगर आपसे प्रॉपर वे में मिक्स नहीं होता है, तो बेस्ट है कि आप फेस टिंट अप्लाई करें। उसके बाद आप कोई भी लूज़ पाउडर ले सकते हो, मैंने स्विस ब्यूटी का ही पाउडर लिया था। इससे मेकअप को प्रॉपर तरीके से हम सेट कर सकते हैं, प्रॉपर सेट हो जाता है, और ये जो आपके लाल लाल गाल है ना, वो थोड़े हल्के हो जाएंगे। कितने गाल लाल तो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो ये हम लोग ज़्यादा इसीलिए लगाते हैं क्योंकि उसके बाद अभी हमें फेस पाउडर लगाना होता है, पाउडर के बाद हमें इसके ऊपर हाइलाइटर लगाना होता है, तो वो ऑलमोस्ट 50% तो वो लाइट हो जाता है। और वैसे भी एक घंटे बाद जब मेकअप सेट होता है ना, तो आपको लगेगा कि आपका मेकअप सेटल हो गया। जब आप तुरंत करते हो ना, तो आपको लगता है मेकअप ओ माय गॉड ज़्यादा तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, मेकअप धीरे धीरे सेट हो जाता है। देखिए, लूज़ पाउडर से मैंने अपने मेकअप को सेट कर लिया है। उसके बाद अब मैं अपनी भरूंगी मांग, क्योंकि सिंदूर लगा लें वो भी सूख जाए हेयर स्टाइल बनाने से पहले। तो पहले मैंने भर ली अपनी मांग सिंदूर लगाने के बाद, अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे को लगा लेना चाहिए थोड़ा सा हाइलाइटर, क्योंकि मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो मैं हाइलाइटर ले लूँगी। हाइलाइटर आप कोई भी ले सकते हो, मैंने फेशियस कनाडा का लिया था। इसका जो शेड है वो बहुत अच्छा है, गोल्डन कलर इसका बहुत अच्छा आता है, ज़्यादा हैवी नहीं लगता है, लाइट लगता है और अच्छे से सेट हो जाता है। तो आप हाइलाइटर लोगे और हाइलाइटर से अपने फेस को करोगे हाइलाइट, क्योंकि थोड़ा चमकना भी ज़रूरी है, हमें पार्टी में जो जाना है। तो देखिए, थोड़ा सा लगाया आपने मैंने गालों पे, उसके बाद थोड़ा सा लगाइए अपनी नोज़ी पे, और थोड़ा सा लगाइए अपनी चिन पे, और चमक के हो जाइए रेडी। और उसके बाद फाइनल टच, अब लगाएंगे लिपस्टिक और करेंगे कंप्लीट मेकअप को। बिना लिपस्टिक के तो मेकअप कंप्लीट ही नहीं होता है। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे डार्क टोन चाहिए आज, तो मेरी साड़ी का कलर लाइट था। अगर आप लाइट कलर की साड़ी पहन रहे हो, तो आप लिपस्टिक डार्क कलर की लगा सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। बाकी डार्क, अगर आपका कॉस्ट्यूम हाईलाइट नहीं है, तो मेकअप हाईलाइट होना चाहिए। अगर आपका मेकअप हाईलाइट है, तो आपकी कॉस्ट्यूम थोड़ा सा सेटल होना चाहिए। उसके बाद लगाते हैं फिक्सर, क्योंकि गर्मी का टाइम है भाई, मई का मौसम चल रहा है, पसीने भी तो आते हैं। फिक्सर से मेकअप करके फिक्स, अपनी पसंद से लगाइए बिंदी, छोटी बड़ी जो भी आप लगाते हो, जिस भी तरह की। उसके बाद साड़ी पहन के, बाल अपने स्ट्रेट करके, कर्ल्स करके, जो भी करके हो जाइए रेडी। ये है मेरा लुक, मैं पहुँच गई शादी में। बाय गाइस, फिर मिलेंगे।